अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग का नबी का पैदाइश का दिन है और आज हम लोग का फर्स्ट ब्लॉग है, पहला ब्लॉग है। जो जो आज जो नए हैं तो वो ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, और जो करके रखे हों तो वो ना कीजिए। और अभी हम लोग दिघलिया में घुसने वाले हैं, तो अभी मतलब मज़ार दिखाएंगे, दिघलिया का कब्रिस्तान दिखाएंगे, और वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये नबी का पैदाइश का दिन है ना, तो वो मतलब इसमें बहुत सारा आदमी घूमने के लिए निकला है। देखो हम लोग का पंडाल लोग टटू में बैठा हुआ है, इधर हम लोग का ये डीजे का गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, क्या करे भाई, पैसा कम था उसके लिए। ये देखो हम लोग का दिघलिया का मज़ार है, और ये पहले चाय का दुकान था, अभी इसको पता नहीं क्या बना दिया होगा। और ये सामने बकरी और इधर कब्रिस्तान है, और सामने कलवट भी है, कलवट तो दिखाई नहीं देगा अभी, कब्रिस्तान देख लो। ये दिघलिया का कब्रिस्तान है, तो यहाँ से होता हुआ जाएंगे पानीघट्टा, पानीघट्टा से सीधा जलकी जाएंगे। तो अभी जो ब्लॉग में बने हो भाई, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हम। और देखे हम लोग का मास्टर लोग यहाँ पे रुका है गाड़ी लेके, तो चलो मास्टर लोग को छोड़ो। और ये टोटू देखो हम लोग का अभी आ रहा है डीजे का गाड़ी, तो छोटा गाड़ी है, छोटा डीजे, फिर भी क्या करें भाई, हिम्मत नहीं हारे हैं। चलो निकलो जुलूस, देखते चलो आगे, तो और भी मज़ा आने वाला है। ये देखो हम लोग का दिलकोश, उसका दिलकोश नाम है। झंडा भी छोटा पड़ गया हम लोग का, झंडा था बड़ा, झंडा था उसमें लगा नहीं पाया, और आदमी नहीं था ना झंडा पकड़ने के लिए। तो अभी सामने दिघलिया है, देखो दिघलिया अभी आने वाले, दिघलिया तो आ गया, पानीघट्टा आएंगे हम लोग। चलो फिर आगे कल मिलते हैं। देखो गैस, ये हथंडा चौक है, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे शरबत उरबत पिला रहा है, और ये भाई साहब हम लोग को शरबत पिला रहा है, तो हम भी शरबत ले चुके हैं। इसका नाम पूछे थे, ये नाम बताया था, मगर नाम हम लोग का जहन से निकल गया है। जो भाई लोग नहीं आए हो जुलूस में, तो भाई चलो अगली बार से आने का कोशिश करो, नबी का पैदाइश का खुशी में थोड़ा घूमोगे, सवाब वबा मिलेगा। तो हम लोग तो शरबत पी रहे हैं, और ये भी पी रहा है, चचा भी पिला रहा है सबको। तो चलो फिर आगे मिलते हैं, फिर बने रहे ब्लॉग पे। ये देखो ये बच्चे लोग, हम लोग का सब्सक्राइब लोग बच्चे हैं, हम लोग का वीडियो देख रहे हैं ये लोग, जो हम लोग से हाथ मिलाने के लिए आया है। भाई आप भी देखो, देखो गैस वो लोग से तो हाथ मिला करके आ गए हैं भाई लोग से। तो अभी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल डलवाएंगे। और वो शेरुल भगीना अभी आगे मिल चुका है, अजमेर भाई भी मिल चुका है, और वो मास्टर है, और इधर बच्चे लोग हैं। तो देखते हैं इधर पेट्रोल वेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर उधर देखते हैं आगे कोई शरबत उरबत पिलाता है कि नहीं पिलाता है। तो लैजुल भाई वो पेट्रोल डलवा चुका है, तो देखो आगे फिर शरबत लग रहा है कि शरबत ही खिला रहा होगा, पिला रहा होगा, हमको तो वैसा ही लग रहा है। देखें पाँच आगे देख रहे हैं, शरबत ही, चलो शरबत पी लेंगे हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी प्यासा है, गर्मी बहुत गिर रहा है ना अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी नबी का पैदाइश के दिन में हम लोग निकल चुके हैं। देखो मेरा अंदाज़ तो सही निकला, यहाँ पे शरबत और खजूर बांट रहे चचा, और उधर पता नहीं भगीना होगा या क्या होगा, नाम तो नहीं मालूम है वो लोग का, भाई सेल्फी खींच रहा है। और ये पानीघट्टा चौक भी बोला जाता है, और हथंडा चौक भी बोला जाता है, और एक चौक और है कि इसका वो पान भट्टा चौक भी बोला जाता है, पता नहीं भाई आप लोग कौन सा चौक से जान रहे हो उसको, कमेंट में बता सकते हो। तो इधर देखो ये, चलो फिर इधर शेरुल भगीना आ चुका है शरबत पीने के लिए, पता नहीं ये भी बहुत प्यासा है क्योंकि अभी गर्मी बहुत गिर रहा है ना। तो अभी ये बंदा कौन है इसको तो नहीं पहचान रहे हैं, फिर भी इससे बात करेंगे सामने, तो अभी बात करने का मूड नहीं है क्योंकि अभी ऐसे हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। तो अभी घूम घूम के यही भट्टाई चौक में, मतलब पानीघट्टा चौक में ब्लॉग बना रहे हैं। तो अभी हम लोग का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था ना, आप लोग को तो बोले थे, तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, अभी फ़िलहाल 1 ही लीटर डलवाएंगे, देखेंगे फिर ख़त्म हो जाएगा तो आगे चल के फिर डलवा लेंगे। तो ये मेरा भांजा गाड़ी में बैठा हुआ है, ये मेरा छोटा भांजा है, मतलब हाँ ये छोटा भांजा है, और मैं चाबी दिया इसको पेट्रोल डलवाने के लिए, और भाई साहब को पैसे भी दे दिया। और ये दुकान है देखो, यहाँ पर सस्ता माल मिलता है, यहाँ पर जिसको भी ख़रीदना हो आ सकते हो, यहाँ पर भाई साहब से बात किए हैं।
तो उधर भाई खाना खा रहा था, इससे पैसा कटवा लिए हम लोग, फिर हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो अभी रेलवे गेट आ गया है भवानीपुर का, तो चलो वहाँ पे गेट बंद था तो शायद खोल दिया होगा गेट, तो अभी गेट भी दिखाएंगे आप लोग को, देखो के गेट उठ, और सामने से एक बाइक आ रहा है, तो अभी हम लोग का ट्रेन भी जा चुका है, शायद गेट खोल दिया। तो भीड़ भड़क का है, गाड़ी उड़ी चलाने में बहुत दिक्कत समस्या आ रहा है। तो भाई जो भाई साहब नहीं आए हो जुलूस, अगले बार से आओ, नबी का पैदाइश की खुशी में भाई घूमो, जितना घूमोगे उतना सवाब मिलेगा। और देखो गेट तो खुल चुका है, चलो फिर ये भवानीपुर में हम लोग घुसने वाले हैं। तो अभी रेल लाइन आ गए हैं हम लोग, ये गेट है भवानीपुर, ये रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे, तो भवानीपुर स्टेशन और क्या बोलते हैं लोधिया स्टेशन बोला जाता है इसको, जो जानते हो भाई, जो नहीं पकड़े हो यहाँ से ट्रेन वो पकड़ सकते हो। और अभी फ़िलहाल भवानीपुर में घुस गए हैं, टेम्पू तो बहुत सारा निकला है जुलूस के लिए, भाई देखो कितना बच्चे लोग खुश है, देखो मुस्कुरा रहा है बच्चे लोग, वो लोग बहुत खुशी मना रहा है कि नहीं नबी का पैदाइश के दिन में हम लोग जुलूस निकले हैं। इधर माँ बहनों लोग हैं, इधर खड़े देख रहे हैं कि देखें कितना गाड़ी निकला है जुलूस के लिए, और भाई ये हाथ हिला रहा है और भाई भाई बोल रहा है, और झंडा पकड़ा हुआ है हाथ में। और इधर अभी ये नया चौक बना है भवानीपुर में, ये नदीढ़ो के पास, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो अभी नया चौक बना है, रोड बना है, तो ये भवानीपुर चौक है, और सामने एक जुलूस आ चुका है, ये डीजे का गाड़ी है, तो हम लोग यहाँ खड़ा होकर थोड़ा हम निकालेंगे अच्छे से फ़ोटो वोटो, ये तो गाइस एक जुलूस और निकला है, पता नहीं ये कहाँ का है, मालूम तो नहीं है, पता करने से पता चल जाएगा ये अपना गाड़ी है मोटरसाइकिल है। बाकी ये लोग भी बहुत बड़ा गांव से आया होगा, बहुत बहुत सारा गाड़ी है ये लोग के पास, हाँ ये टेम्पो ही टेम्पो है, हम लोग के पास टटू था, ये लोग के पास टेम्पो है। अरे अभी हाँ हम लोग का जो मतलब गाड़ी पीछे आ रहा है वो देखो, छोटा सा बजा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद, ये देखो हम लोग का गाड़ी आ गया, और देखो ये भवानीपुर है। देखो अभी बलतर चौक में हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बिरयानी उरयानी बांट रहा है, उधर हम लोग भी जाएंगे लेने के लिए, तो ये कुछ लाजमी इधर निकल चुका है और उधर बच्चे लोग ले रहे हैं, खाली इधर से टेम्पू ही आ रहा है, हम लोग ले नहीं पा रहे हैं वीडियो, तो अभी हम लोग भी उतरेंगे गाड़ी से और हम लोग भी बिरयानी लेंगे। देखो हम लोग भी आ गए बिरयानी लेने के लिए, इसका नाम, इसका शक्ल पहचाना लग रहा, हाँ शकील नाम है इसका, शकील पता नहीं, नाम भी उतना याद नहीं है हम लोग को। और इधर बच्चे लोग है बैठा हुआ पगड़ी उगड़ी बांध के, और ये भाई दे रहा है बिरयानी, इसी का नाम शकील नाम है क्या क्या नाम है उतना याद नहीं आ रहा है, फिर भी जो नाम जान रहे हो भाई कमेंट में बताओ। और ये मेरा भगीना है इधर, और अभी ये बलतर चौक है, तो अभी बलतर चौक से निकल चुके हम लोग, अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर चलते हैं पस्तिया भवानीपुर, वहाँ पे भी थोड़ा शायद वहाँ का वीडियो नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग एक बार घूम के आए थे। देखो अभी एक ट्रैक्टर में आ रहा है जुलूस, आगे पीछे और भी गाड़ी है, ये गांव का नाम तो मालूम नहीं है, बाकी आप लोग देख के बता दो ये कौन सा गांव है। और इधर टेम्पो वेम्पो में गाड़ी उड़ी में जा रहा है, टोटो बाइक ट्रैक्टर और मार्शल उर्सल नहीं है, मोटरसाइकिल है भी, देखो और एक ट्रैक्टर आ रहा है, इधर बांस बढ़िया है, उधर और कुछ नहीं है। अब ठीक है भाई, फिर आगो बगल मिल जी हमारा, देखो गए सभी, ये मदरसे के बच्चे लोग भी जा रहा है नबी का पैदाइश की खुशी में, हम लोग का दोनों टोटो जा रहा है, और देखो पूरा बच्चा मदरसा का है और पैदल ही निकल चुका है नबी का खुशी पैदाइश की खुशी में,
देखो सबके हाथों पे झंडा है, किसी के पास तो झंडे का बोझा है एकदम। और मौलवी साहब लोग भी है, देखो बच्चे लोग जा रहा पैदल ही निकल चुका है इसके लिए, जलगी के लिए। हम लोग तो बाइक में जा रहे हैं, हम लोग को भी पैदल निकलना चाहिए, क्या करें। चलो आगो बगल मिलची फिर। देखो ये बहुत बड़ा जुलूस, मतलब बड़ा ट्रक में डीजे बजा के लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुलूस है और नारा लगाते हुए जा रहा है सब, क्योंकि आपका कान पे नहीं पहुँचेगा, बस आवाज बैठे दिए हैं हम लोग। और अभी स्पीड में भी है, और देखो इधर भड़बड़िया रुका हुआ है रास्ते से, बहुत मतलब गर्दी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, उसके लिए फुल वीडियो नहीं बना पाए हैं, रुक रुक के बनाए हैं वीडियो। और सामने जंगीपुर आने वाला है, मलिकपुर ब्रिज टॉप दिए हम लोग, और ये बहुत बड़ा है, ये जुलूस है। देखो बहुत सारा गाड़ी है, गिनोगे तो मतलब गिन नहीं पाओगे, इतना सारा गाड़ी है, बाइक तो बहुत सारा है। देखो हम लोग अभी बाड़ी पकोर आ गए हैं, ये लोग हाई बोल रहा है, और ये लरामपुर और मानगोई का जुलूस दोनों मिले हैं बाड़ी पकोर में, तो यहाँ पे मतलब गर्दी हो गया है। तो चलो फिर आगो बगल मिल सी जल की थे कबारा। देखो भाई ये भी डीजे का गाड़ी है, माइक वेक लगा गया है, झंडा उंडा सब एकदम तैयार रखा है, लोग हिलाने के लिए और नारा लगाने के लिए। सोचे थे आपसे जलगी में मिलेंगे, क्या करें भाई, ये सब देख के और बर्दाश्त नहीं होता, रहा नहीं जाता है। सोचे थे एक बार में जलगी में आपको दिखाएंगे हर नज़ारा, मगर सामने ये सब आ जाता है ना, तो और रुका नहीं जाता है, कि सोचे चलो यहाँ का भी थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जुलूस निकलता है भाई, मन को शांति मिल जाता है। तो अभी निकल चुके हैं, अभी की वार्ड में मिलेंगे, देखते हैं फिर कोई सामने आ गया तो। देखो ये टेम्पो में जा रहा है भाई लोग, और ये सामने मार्शल है चार पहिया का है, तो वो अपना परिवार लेके जा रहा है, वो भी जुलूस जा रहा है, क्या करे। चलो भाई आप लोग भी निकलो जुलूस, अगले साल से निकलो। ओके भाई। देखो गाइस अभी एक जुलूस फिर निकला है, और जल की हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखो बच्चे लोग झंडा हिला करके नारा लगा रहे हैं, तो हम लोग भी इन लोग के साथ नारा लगा रहे हैं, और रोड सब ऐसे भी जाम है। और देखो हम लोग जल की पहुंचने वाले हैं, कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे। और इधर हजरत लोग खड़ा है, और बच्चे लोग तो नारा लगा रहा है, और सामने एक भटभटी में भी डीजे लगा के रखा है, डीजे सेटअप है ये लोग का देखो। और हम लोग बस कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं, मतलब कुछ मिनटों में क्या समझ लो, पहुंच ही गए हैं हम लोग जल की। तो फिर सामने जल की का नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोग को, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए भाई वो सब्सक्राइब करो, और इससे कॉमेडी ब्लॉग है ये चैनल है, आप लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा। देखो भाई हम लोग जल की पहुँच चुके हैं, और अभी गाड़ी स्टैंड में लगाएंगे साइड पे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो अभी देखो ड्राइवर इतना ज़ोर से ब्रेक मारा है, ये बच्चे लोग गिनने लग गया। और इधर हम लोग लगाएंगे अपना गाड़ी, और स्टैंड में लगाएंगे हैंडल उंडल लॉक करके जाएंगे अंदर। ये मैं हूँ, और ये मेरा भांजा है, और हम लोग का गाड़ी उधर लगा है, आज मैं लोग घुमा रहा है गाड़ी को, तो हम भी निकल चुके हैं। देखो हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम लोग का टीम का आदमी इधर है, हम आवाज़ लगाएंगे अभी उन लोग को आएगा। देखो हाँ भाई थोड़ा हाय हाय कर दो, और इधर देखो ये भी आ गया, और आगे अब लोग का भी जलगी का मज़ार मिलेगा, और पहले सबसे पहले मदरसा मिलेगा, उसके बाद मज़ार मिलेगा। हाँ तो थोड़ा ये लोग को भी पहचानो, ये लोग हम लोग का टीम का आदमी है। चलो भाई जलगी टोगा।
देखो जल्की पे वो लगा हुआ गेट है भाई। देखो ये महंगा गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ये साइकिल वाले हैं। और ये रहा मदरसा, अभी मदरसा दिखाएंगे, ये देखो। और इधर भाई मौली साहब लोग हैं, हजरत लोग हैं। और ये डीजे का गाड़ी है, ये अभी बंद है, इसको चालू नहीं रखा है। तो अभी अंदर जा रहे हैं मज़ार की तरफ। और सामने भीड़ भाड़ है, इलाका है, और उधर नारा लगा रहा है, आज भी लोग खड़ा हो गए। एकदम बढ़िया लग रहा है भाई, दिल को सुकून मिल गया इधर आके। भाई जो नहीं आए हो तो वो अगली साल से जरूर आए। और ये उसका नारा लगाने, जिधर नारा लगा रहे हैं ना उधर इसका गेट है, वही मदरसा टो वही है उधर ही। चलो भाई फिर जल्दी टो बाजार टो में मिलते हैं सामने के वार्ड में। देखो इधर बच्चे लोग खिला दिखा रहा है, चलते हैं उधर, फ्री में पानी मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेने का, मिल जाए तो ठीक है। देखते हैं ठीक है, पानी मिल जाएगी नहीं। हाँ भाई पानी मिल गया, ये भाई साहब है। हाँ ये देखो कैमरे में नहीं आ रहा, इतना बड़ा मजा आ रहा है हम लोग का यहाँ का। चलो थोड़ा हाँ अब आया मजा पूरा। देखो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, नजारा बहुत अच्छा है। आओ जो नहीं आए हो यहाँ पे वो जरूर आना एक बार, यहाँ का ज्यादा करके जाओ, फिर देखो दिल में सुकून कितना मिलता है। देखो कितना मजा वाला फीलिंग है यहाँ पे। देखो अब अपना अपना टीम से मिलेंगे, ये मजार है और ये अपना टीम, ये देखो अपना टीम इधर आगे खड़ा हो गया। पर बच्चे लोग को ढूंढने से मिलता नहीं है, छोटा छोटा बच्चा आ जाता है भाई। जिसको अच्छा लगा है भाई वो कमेंट करे, और अगले पार्ट के लिए और सामने वाला ब्लॉग के लिए, कॉमेडी ब्लॉग के लिए लाइक शेयर सब कीजिए भाई। तो यही से हम लोग अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं, सबको सलाम वालेकुम भाई। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, धन्यवाद भाई, बाय बाय, डबल बाय, ट्रिपल बाय।